एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक आसापुर में स्थित बसोमी गांव पड़ा। लगभग 3000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर, तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान ओम प्रकाश हैं। लगभग 1204 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में वर्तमान समय में लगभग 209 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव की प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 310 बच्चे अध्ययनरत हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 22 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से 3 हैंडपंप वर्तमान प्रधान द्वारा रिबोर कराए गए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 25 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 6 सोलर लाइट भी लगी हुई है। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 2 सीसी टाइल्स रोड, 2 खडंजे, विद्यालय में मरम्मत कार्य व पानी निकासी के लिए नाली का भी निर्माण कराया गया है। वहीं वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, बारात घर, शमशान घाट, पंचायत घर, पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, इंटर कॉलेज, खेल का मैदान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम पंचायत बसौनी का प्रधान हूँ, ओम प्रकाश, विकास खंड आशापुर है, जिला बदायूं का रहने वाला हूँ। जो हमने काम किए, जो सरकार ने हमें पैसा दिया उसका ईमानदारी से हमने काम किया है। ये काम हमारा ये है, स्कूल में फर्श कराया है, 50 शौचालय का निर्माण करा दिया है, 2 सीसी डलवा दी हैं, 2 खड़ंजे, 1 नाली पर जाल है, 2 नाले हैं, 6 लाइट है, ट्री गार्ड। और हमारे ग्राम पंचायत में अभी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जो हम वादे पूरे नहीं कर पाए जनता से, पैसा कम होने के कारण, पैसा ना आने की वजह से मान लो या पैसा कम होने की वजह से मान लो। बस और तो है, और अभी हमारी मांग है सरकार से और हैं जो हमारे गांव के विकास के हित में होगी, जैसे बारात घर, शमशान भूमि का सौंदर्यीकरण, सचिवालय, प्रधानमंत्री आवास, नाला, सीसी, अस्पताल और इंटर कॉलेज हो तो और सही है, समझिए। और खेल का मैदान भी होना चाहिए बच्चों के लिए, उनकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है।